अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अक्स टीवी में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको जो ख़बर पेश करने जा रहे हैं वो सेहत से मुतालिक है। तिब यूनानी की मशहूर शख्सियत डॉक्टर फजल अहमद, जिनसे न सिर्फ शहर हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग अपनी तिब्बी ज़रूरियात के लिए सेहत के मामलात के लिए रब्त करते हैं और करीबन चार दहों से इनकी खिदमात यूनानी तिब के हवाले से जानी मानी और पहचानी जाती है। आपकी मौसर खिदमात की वजह से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में तिब यूनानी के फ़रोग में बहुत ही काम किए गए हैं। डॉक्टर फजल अहमद का शुमार हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के मुमताज़ और माहिर यूनानी अतबा में होता है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डिपार्टमेंट और तेलंगाना के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आयुष वगैरह से इनकी कंपनी सबा रेमेडीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसन्स, फूड एंड न्यूट्रिशंस, क्रूड एंड कंपाउंड फार्मुलेशंस, कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में एक जाना पहचाना नाम है। हम आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान भर में आपकी अद्वियात मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ को पहुँचती हैं, बल्कि बैरून ममालिक भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए लोग आपसे मुस्तफ़िद होते हैं और दुबई, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज़ के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दीगर यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आपकी दवाएँ पहुँचाई जाती हैं। सबा रेमेडीज़, जहाँ हुकूमत के तमाम ज़रूरी रजिस्ट्रेशंस, परमिशंस और नॉर्म्स को फॉलो करती है, वहीं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर भी करती है। बैनुल अक़वामी सतह पर खेलकूद के मुकाबले हो या फिर सुन्ना प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो, सबा रेमेडीज़ का नाम जाना पहचाना है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स जो सेहत के लिए नहायत ही कारामद होते हैं, नहायत ही बेहतर अंदाज में हाइजीन फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। अद्वियात का बेहतरीन से बेहतरीन इंतखाब किया जाता है, उनको बेहतर तरीक़े से रखा जाता है। अद्वियात के लिए रॉ ड्रग्स की ख़रीदारी के बाद जो मरहला आता है वो प्रिजर्वेशन का है। जब इसको बेहतर अंदाज में प्रिजर्व किया जाए और फिर उसको मुकर्ररा वक्त में इस्तेमाल किया जाए तो अद्वियात का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मरहला आता है प्रिपरेशन का, तो सबा रेमेडीज़ पर बेहतर से बेहतरीन मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट्स बनाने के लिए बेहतरीन ऑटोमेटिक मशीनें, जिसके ज़रिए हम बेहतर अंदाज में सही वज़न के मुताबिक उन दवाओं को तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ अदवार से गुज़रते हुए जहाँ सबा रेमेडीज़ में बेहतर से बेहतर अंदाज में दवाएं बनाने का काम जारी है, वहीं इसकी पैकिंग पर बेहतर से बेहतर अंदाज में काम किया जाता है। गोलियों की पैकिंग के बाद उसकी कोटिंग के लिए ये एक ख़ास मशीन, और उसके बाद फिर ये जो मशीन है यहाँ पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पैकिंग मशीन के ज़रिए जिस तरीके से पैकिंग की जाती है उसके मुख्तलिफ फ़वाद हैं। एक तो शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है दवाओं की, और ये जो कैप्सूल मशीन आपको नज़र आ रहा है, कैप्सूल फिलिंग मशीन, इसमें ऑटोमेटिक तरीके से हाइजीन तरीके से तमाम कैप्सूल्स में अद्वियात भरी जाती हैं। और एक और प्रोडक्ट सबा रेमेडीज़ की जानिब से आज लॉन्च किया गया है, वो है हेल्थ के लिए जो मोटापे के लिए परेशान लोग हैं उनके लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। जिस तरीके से मोटापे को दूर करने के लिए लोग फ़िक्रमंद होते हैं और उसके प्रोडक्ट्स की परेशानी होती है, वहीं पर एक डिप टी के अंदाज़ में बेहतर से बेहतर जोशांदे को यहाँ प्रेजेंट किया गया है, और उसकी पैकिंग और लेबलिंग के लिए भी ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन डिप टी बैग्स में अद्वियात को रखने के बाद जिस तरीके से उसकी पैकिंग की जा रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती है। इसी तरीके से सबा रेमेडीज़ के इन प्रोडक्ट्स को
न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बेहतर से बेहतर रेस्पॉन्स मिल रहा है। सबा रेमेडीज़ के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आज दुनिया भर में बल्कि अमेजोन में भी अवेलेबल हैं। 36 ईयर्स हो गया, 36 ईयर्स से लेके आज की तारीख तक मैं सिर्फ यूनानी प्रैक्टिस फिर से पूरा रिवाइव कर देंगे। गवर्नमेंट में भी ज़्यादा अवेलेबल पूरा सियाल है कि पूरे मौसम में हमारे फाउंडेशन हमारे फादर भी चलते हैं, उन्होंने बिटी लोगों पर काम किया। इसमें हम लोग आप फिलिंग करते हैं, ये पूरा ऑटोमेटिकली लोडिंग होती है। तो ये कैप्सूल मैन्युअली रखना पड़ता है? नहीं नहीं, पूरे डाल देना, जमा देना, पूरे डाल देना। इसमें मुख्तलिफ अलग अलग साइज के कैप्सूल जैसा भी तो ये मानेंगे नहीं, गर्म पानी में जस्ट डिप कर लेना, जस्ट डिप कर लेना तो इसको जस्ट इसको जस्ट के सामने इसको गर्मी में इसको डबल के लिए और निकाले जो वेट लॉस करना चाहते हैं ये बिल्कुल ही है, ये टोटली यूनानी मेडिसिन, इसके कोई कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मॉर्निंग में एक कप गर्म पानी में जल डिप कर लेना और पी लेना, उसके बाद इवनिंग में पी लेना, तो ये जो एब्डोमिन है फैट है पूरा बॉडी का ये पूरे का पूरा डिजॉल्व होगा। और ये चिपकल कैसी बन के आ जाते हैं, प्रेस खाना नहीं रुकना चाहिए, मेरे पास तो खाना खाना चाहिए, लेकिन मेटाबॉलिज्म अपना सही होना। हम लोग हर चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, मगर वेट हमारा पूरा बढ़ता है, क्योंकि वही वजह से पैसा बढ़ता है। ये ऐसा ये यूनानी में हर्बल लग्जेटिव है, ये सब बताएं, ये भी जो है इसी टाइप की आ जाता है। इसको हम लोग पूरा इसका प्रोसेस रहता हूँ और जस्ट इसके अंदर कैप्सूलिंग आ जाता है। इसके बाद हम लोग अभी नए बनाने ये प्रिंट आ रहा है, ऐसा बन के आ रहा है नया प्रोडक्ट। Yes, yes, इस टाइप की कैप्सूल बच्चे आ जाते हैं, यानी पैकिंग हो जाती है। जब ये पैकिंग हो जाती है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, 5 ईयर्स तक बिल्कुल खराब नहीं होती। फोटो डाल फोटो डालने के बाद इसमें डाई लगा, अलग अलग राउंड डाई चक्के डाई डाई लगाने के बाद टैबलेट बनना शुरू हो, टैबलेट इसमें से आना शुरू हो जाता करना है। तो इसको
डालने के बाद कलरिंग हो जाती है, पूरा कलरिंग कोटिंग हो जाती है, शुगर कोटिंग हो जाती है। अब उससे पहले हमें ग्रैनुल्स बनना पड़ता है, तो ये ग्रैनुल्स इसके अंदर डालने के बाद ग्रैनुल्स वो फाइन पाउडर इसके अंदर आता है, ग्राइंडिंग है तो मोटा पाउडर लेके ग्राइंड कर देने का, ये बिल्कुल फाइन पाउडर के लिए वो और थोड़ा मोटा पाउडर का। अच्छा, और ये जो है हमारे पास ड्राई करते हैं, ये पहला पैक किया दुबई से जा रहा है, पूरा अरबी में है ये, उनका दुबई का नेम मैन सबका लगा हुआ है, उनका लगा हुआ है, ये दुबई के डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, ये इसके अंदर ये सुनत प्रोडक्ट है एक्चुअली, है इसको दो चम्मच जस्ट मिल्क में मिक्स कर देते हैं, उसके बाद गर्म करते हैं, तो ये तलबीना रहता है। दैट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ख़ासतौर से इरशाद है, जिनको एंग्जाइटी टेंशन या तमाम चीज़ें रहते हैं वरीज रहते हैं, ये लेने के बाद उनको बिल्कुल ही तौर से खत्म हो जाता है। ये पूरा अरबिक में बनाया है और ये वहाँ दुबई में पहले वहाँ मिनिस्ट्री में पास होने के बाद जाता है, पास होने के बाद जाता है। ये अब ये एक पैक ये बन गया, ये ऐसे ये चौथा चिकाटन जा रहा है सर, ये यहाँ से एयरपोर्ट करीब है तो लोग आके लेके जाते हैं, एक सिंपल है ये इसका, ये बन गया। ये यूनियन के नाम से बनते हैं, लेकिन चीज बनती है शक्ल में जी, गेरू पत्थर की शक्ल में, पत्थर की शक्ल में आता है, ये पूरी मुल्तानी मिट्टी है। अभी और भी बहुत सारे सामान है, पूरे बाहर रकम बनाने का प्रोसेस बाहर होता है, विकसित के लिए देखते हैं केस के तमाम बीमारियों के लिए सब पौधे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में भी सप्लाई होती है, उसके बाद बहुत सारे जमाने में जो बनाते 50-50 के जी 100 के जी तक तैयार तैयार होता है, और खाए तैयार तैयार का काम पूरा यहाँ होता है। शॉर्ट प्रोग्राम हम बना दिए थे, एक प्रोडक्ट हम लोग अपनी एक फैक्ट्री स्टार्ट करे, इसको पहले से उसमें कोविड में कुछ बंद कर देना पड़ा था, बाद में इसको फिर रीस्टार्ट कर दिए, और इसके बाद हमारा कुछ हम गवर्नमेंट सप्लाई भी इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक 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 करके हमारे पास कई प्रोडक्ट यहाँ पर, हमारे पास जो गन लाइसेंस है तकरीबन 280 मेडिसिन हमारे पास यूनानी तैयार करने के लिए हमारे पास ड्रग लाइसेंस है, हमारी इस कंपनी को ISO रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफिकेट भी हो चुका है, NSIC रजिस्ट्रेशन भी हमारे को आ चुका है, और इसके साथ साथ तमाम जो है क्वालिटी के जो भी लैब्स है इसके अंदर हमारे पास इनके तमाम हमारे पास अप्रूवल आ चुके हैं। अभी हम अपना मार्केटिंग और प्रोग्राम इंशाल्लाह इसका स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें हमारे को बड़ी स्टार्टिंग से गाइडेंस रहा, स्पेशली हमारे नागेश्वर साहब की जो रिटायर्ड AGM है, और ख़ासतौर से हमारे मैनेजर जो हमारे अब्दुल साहब हैं, इन लोगों का एक बड़ी हिम्मत अफजाई रही हमेशा, इसको सर काम शुरू कर दें और स्टार्ट कर दें,
तो मैं सबसे पहले तो हमारे इस कंपनी की तरफ से मैं हमारे नागेश्वर साहब का पहले वेलकम करता हूँ और आपको दिलखुशी धन्यवाद। और मैं हमारे नागेश्वर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बहुत ही डायनामिक मैनेजर हमारे अब्दुल साहब की दिलखुशी करें। और हमारे सर से और एक रिक्वेस्ट है हमारे यूसुफ साहब को भी दिलखुशी करेंगे। और सर और हमारे नागेश्वर साहब से और एक ख्वाहिश है हमारे डॉक्टर हमारे नुमान साहब को भी सम्मान करें और दिलखुशी करें। कमान आप लोग हमारे अब्दुल साहब जो हमारे बहुत ही डायनामिक मैनेजर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनके बारे में नागेश सर आधा घंटा एक घंटा पूरा बहुत ग्रेट बोल रहे थे। इधर आने के बाद वो भी डॉक्टर मैडम उनके वाइफ मैडम भी डॉक्टर उनके बच्चे डॉक्टर सब एकदम जबरदस्त था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। आज के इस खुशी के मौके पर के सभा इंडस्ट्रीज का लेवल बनाया हुआ अजीब हो रही है। मैं मौके पर डॉक्टर सदर अहमद साहब से मुलाकात पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम पेशा किया है। डॉक्टर साहब के बारे में सब लोग जानते हैं सोसाइटी के अंदर कि 35 ईयर्स से डॉक्टर साहब जो है यूनानी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी प्रैक्टिस के नतीजे में बहुत सारे लोग शिफाया हुए हैं आपकी प्रैक्टिस और बहुत सारे इलाज आप करते हैं और ख़ासतौर पर सोरियासिस और मेल फर्टिलिटी में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब। और प्रैक्टिस के साथ साथ उन्होंने ये जो इंडस्ट्री डाली है सभा इंडस्ट्री इसमें यूनानी मेडिसन्स की मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं और आपके मेडिसन्स यूनानी में काफ़ी के मेडिसन्स हैं। तो मैं ख़ासतौर पर जो हजरात और खवातीन यूनानी प्रैक्टिस करते हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सभा रेमेडीज से जो मेडिसन बनती है उसको इस्तेमाल खुशी की बात है। इंशाल्लाह रिफा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ तेलंगाना का मैं प्रेजेंट प्रेसिडेंट हूँ रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो आपकी दवाइयों को मुल्क भर में और बैरूनी मुल्क काबू कराने के हम भरपूर कोशिश करेंगे और इस मामले में आपका भरपूर साथ देने का काम करेंगे। चलिए मैं फिर इस बात में बताना चाहूँगा जब मैं UMS कम्प्लीट किया उसके बाद MD किया इस तारीख से लेके मतलब 36 ईयर हो गया। 36 ईयर से लेके आज की तारीख तक मैं सिर्फ यूनानी प्रैक्टिस किया। इसके बाद में अभी मेरे पास तकरीबन 8 से 10 साल तक हम गवर्नमेंट में भी फ्रूट ट्रक सप्लाई करते हैं। ऐसे 15 साल तक हम पूरे इंडिया में जेन्यून फ्रूट ट्रक मेडिसिन सप्लाई किया। जो व्हाइट पैचेस होते थे लिकोडर्माइड के उसका पूरा फॉर्मूला अभी हमारे वाहन साहब का काम आज तक वही फार्मूला चल रहा है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ और अभी तक भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा है और हम पूरे इंडिया में इसके फ्रूट मेडिसिन पूरे सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग में जब हम गवर्नमेंट में सप्लाई करने के लिए गए तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं फॉर्मेलिटीज होते हैं उसमें बैंक गारंटी बताना पड़ता है और हमको 35-50 लाख का बैंक गारंटी बताना पड़ता था। तो हम सोचे थे कि उसके लिए बैंक गारंटी बताने गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी है उसको कैसा कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब हम
नागेश्वर साहब से मिले, अब्दुल साहब से मिले, तो ये लोग तो दो दिन तीन दिन भी हमारे को लगाए नहीं, बल्कि इतना हमारे साथ तो जब हम गवर्नमेंट का सबमिट करने के लिए हर डॉक्यूमेंट करते तो वो इमीडिएटली हमारा साथ दिए, यानी एक एक दिन के अंदर वनडे टू डे के अंदर हमको लेटर शिफ्ट करते गए। लोग जो है मोटापे के लिए दवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम वेट बढ़ जा रहा हूँ, वेट बढ़ने से कहीं आपके हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं, डायबिटीज शुरू होता है, और चीज़ें आते हैं, खासतौर से लेडीज में वेट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। हम लोग जो एक 8-10 साल से कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो जोशांदे रहते हैं, उन जोशांदों को लोगों को गर्म करना, बनाना, पिलाना, तमाम चीज़ों के बड़े प्रॉब्लम आते हैं। हम लोगों ने क्या किया, उसको एक उस जोशांदे को डिप की शक्ल में बनाया, उस डिप की शक्ल में जस्ट जोशांदे को जैसा चाय का डिप करते हैं गर्म पानी में थोड़ा डिप कर दिए और उसको जो है सुबह में और बॉडी का यानी जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर जितने चेंजेस होते हैं ऑटोमेटिकली बॉडी का वेट लॉस, वेट कम होना शुरू हो जाता है किसी साइड इफेक्ट के बगैर, तो इसके लिए हम उसको डिप फिट के लिए जब हम उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो हमारे एकदम फुल लाइसेंस है, पेस्टिसाइड का भी आ गया और हमारे को ड्रग लाइसेंस भी आ गया, दोनों तमाम के लिए हमको लाइसेंस मिलना शुरू हो गया। फिर हम एक प्रोडक्ट रेडी कर दिया, उसको जाना शुरू कर दिया, एक प्रोडक्ट अभी तैयार हुआ है, मैं नागेश्वर साहब से अटैच कर पाऊँगा इसको लॉन्च करें इसको अभी। डॉक्टर हसन परवेज साहब का इंट्रोडक्शन खाली नाम काफी है, वर्ल्ड वाइड और भी मतलब तो वर्ल्ड वाइड समझ में आ जाता है सारे लोगों को कौन है परवेज। तो ये हमें हमारे कॉलेज के जब मैं पढ़ा था उस वक्त से मैं देखता हूँ कि हमेशा एक पढ़ाई में और रिसर्च में रहते थे, डायनामिक मेरे से शायद एक साल सीखने साल तीन साल जूनियर है मेरे से, लेकिन उस वक्त मैं इनको हमेशा देखता था सिर्फ पढ़ाई में रिसर्च में। बाद में ये माशाल्लाह इंतजामिया कॉलेज के वहाँ के प्रिंसिपल भी हो गए, डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं श्रीलंका रह के, अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यूनानी मेडिसिन में जनरल मेडिसिन में। पहली चीज ये मैं ये कहना चाहूँगा कि मदन साहब की तारीफ करना खुद ऐसा है कि जैसे मतलब के सूरज को एक खिलाफ बनाने के लिए, इसलिए कि यूनानी के अंदर मदन भाई ने यूनानी के अंदर मदन साहब ने क्रिएटिविटी लाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है आपका, इसके अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी क्योंकि उन्होंने इसको डीप शेप में लाया और हर्बल मेडिसिन के तालों से एक नेगेटिविटी हमारे जहनों में ये है कि हलवे टानिका गोलियां गोल गोलियां जो हलक में अटकने वाले गोलियां, ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमारे जहनों के अंदर, ये जो डिप का जो कॉन्सेप्ट है फजल साहब ने लाया और हमने कई फार्मेसी के कई प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी शक्ल में लाया। तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब कि आपको कहीं से भी ये महसूस हो रहा है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है? नहीं, मार्केट के हिसाब से अब ये जो चीज है मतलब कि आपने जो कहा कि मतलब कि मार्केट के हिसाब से, तो हमारा मार्केट ये है कि मतलब कि इसको हम बैग में आसानी से रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, फ्लाइट में ले आ सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, लॉस नहीं है, हल्का सा है, हर वो चीज आपने ये की यूनानी की तई अपनी मोहब्बत है जिसको ये जाहिर कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि फजल साहब हमेशा तरक्की करते रहे। एक और चीज फजल साहब के तालों से मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत ही मजाही अंदाज में बात कहता हूँ कि फजल साहब ने अपनी उम्र को लॉक कर दिया, लॉक करके कुंजी घंटी पेट पे फेंक दी। कई सालों से मैं फजल साहब को देख रहा हूँ ऐसी है, और सर को अल्लाह ताला उम्र दे और हमारे सर पे आपके हमेशा साया रखे और ऐसी तरक्की करते रहे, सिस्टम के ऊपर काम करते रहे और सिस्टम की वजह से आप यकीन करो या मत करो हैदराबाद में नहीं सारे हिंदुस्तान भर में मैनुफैक्चरिंग में अगर कोई मैनुफैक्चरिंग का नाम लेता है
तो फजल साहब का नाम कहीं ना कहीं जरूर गया। ये इनका इंस्पायरेशन है, ये मेहनत है इंशाल्लाह, और मेरी दुआ है तमाम लोगों की, सर मेरी दुआ है कि मतलब अल्लाह ताला ऐसे ही आपसे काम लेते रहे, ऐसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट की बात करें और ऐसे ही निगरानी का मतलब के काम का शायकार सामने बैठा हुआ है अलहमदिल्लाह नुमान भी आपके मतलब के साथी रह चुके हैं, रह रहे हैं, मतलब कि ये लोग चाहे मतलब के अलहमदिल्लाह दिस व्यूअर्स लाइक टू थैंक डॉक्टर फजल साहब and his company Sabha Pharmacy and Sabha Manufacturing what you call pharmacy aur bahut shukriya main ada karta hu ke aap Sabha Pharmacy aur Sabha ke liye waqt diya mujhe jo tak log hai aur aap sab karta hu ke aap log time nikal le hamare khas tor se hamare Manish sir senior Rishi sir hamare manager Tul sir Rishi sir aur sab aap sab tamam khususi taur se hamari shuti ji शॉर्ट नोटिस पर जमा हो गए और यहाँ पर आ गए हमारे इंक्रेजमेंट के खिलाफ काफ़ी हिम्मत अफजाई हुई और इंशाल्लाह आपके साथ टाउन के साथ हम और भी प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। हम लोग जेनेरिक जो दवाएं बनते हैं जिनमें मासूम जवानी शॉर्ट तकरीबन 100 से ज़्यादा तैयार होते हैं यहाँ पर पिडन मेडिसन में कुछ तरबीना मेन्स फीड वुमेन्स फीड के नाम से तैयार होते हैं। फिर हमारे एफ एस एस आई का भी एक लाइसेंस है जिसमें हमारे पास मल्टी विटामिन कैल्शियम के भी रिलेटेड मेडिसन तैयार होते हैं और पूरे के पूरे यहीं पर ही हम लोग तो बनाते हैं। रॉ मटेरियल का भी अब हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली में हमारा अपना एक बैग हाउस लगा रहा है तो हम उससे पूरे मेडिसिन भी इंशाल्लाह वो सब पूरे यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। मेडिसिन पेशेंट्स को भी तमाम मेडिसिन मिलेंगे इंशाल्लाह, मेडिसिन अमेजोन पर भी मिलेंगे। आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए एक बार फिर मैं दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।